हाँ ये सुनो कस के एकदम दिमाग को शांति मिलेगी इसके, क्या मतलब सेवन करे तो ग्रीस की कमी पूर्ति हो जाती है। अच्छा मतलब 50 साल के बूढ़े में अगर घुटनों में अश्वगंधा है, ये सारी वेराइटियाँ, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी और रुद्राक्ष, सारी वेराइटियाँ। सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर, रिकमेंड चैनल, थैंक यू यार सारे प्रॉब्लम। हाँ तो यार कैसे तुम लोग, उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया हो गए। यार स्वागत है तुम्हारा अपने YouTube चैनल दिव्जी फ्रॉम जम्मू में। तो यार आज मैं आया हूँ ब्रिज नगर, यहाँ पे पंकज नर्सरी में। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग वैरायटीज़ के मतलब प्लांट्स हैं और भी काफ़ी कुछ है यहाँ पे खरीदने के लिए। तो यार ये है इस नर्सरी के ऑनर, इनका नाम है अवधेश और इनके बेटे के नाम पर इन्होंने मतलब नर्सरी का नाम रखा हुआ है पंकज नर्सरी। तो यहाँ पे सभी मतलब देख रहे यही करते हैं, तो इन्हें हर एक पेड़ पौधे के बारे में यहाँ पता जो भी अवेलेबल तुम्हें मिल जाएंगे अभी यहाँ पे। अच्छा मेडिसिन प्लांट में, तो यार मेडिसिन प्लांट्स भी इन्होंने रखे हुए हैं, ग्रो किए हुए हैं, तो इनको हर एक प्लांट के बारे में पता है जो अभी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो इनके साथ साथ चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या एक्सप्लोर करेंगे हम। यार ये एप्पल का पेड़, तो यार तुम देख सकते हो कि ये एप्पल का पेड़ है और मतलब ये गर्मियों जो गर्मियों में मतलब उग सके, ग्रो कर सके, वैसा ये एप्पल का प्लांट है। हर्बल 99 इस प्लांट का नाम है, जो कि मतलब गर्मियों में भी तुम एप्पल खा सकते हो, जम्मू में उगा सकते हो। ये छोटे में फलना चालू कर ये चीज़। हाँ अच्छा ये छोटे में मतलब फलना चालू कर देता है। ये दोनों सीजन होते हैं? नहीं ये एक सीजन वाला, दोनों सीजन वाले अलग रखे। अच्छा वो भी मतलब दो सीजन वाले भी हैं जो दोनों सीजन में आम लग जाते हैं उसमें। मेडिसिन प्लांट है, स्टीविया वगैरह, रोजमेरी, पापका, इंसुलिन, अश्वगंधा। अच्छा ये सारे यहाँ लगे हुए हैं? हाँ सारे मेडिसिन प्लांट्स जितने भी हैं। हाँ नाम ले लेना उनके सबके वापस। हाँ देखो वो आपका स्टीविया हो गया, मतलब रोजमेरी हो गई, और आपका इंसुलिन हो गया, स्टीविया हो गई, और हरसिंगार है, अश्वगंधा है, ये सारी वैरायटियाँ, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, दालचीनी और रुद्राक्ष, सारी वैरायटियाँ। मेरे अंकल ने जितने नाम बोल दिए इतने तो मुझे भी नहीं पता, तुमको पता होगा मुझे बताना कमेंट में। सो काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा अंकल ने जो जो नाम लिया सुन के। ये फोनस पाम हो गई, ये चाइना पाम हो गया, ये बेम्बू पाम हो गया, ये एरिका पाम है। ये बेम्बू पाम और ये चाइना पाम, ये चाइना पाम, ये आपका एरिका पाम। अभी कितने साल हो गए आपको ये मतलब काम करते हुए? 17 साल हो गए। हाँ और ये नागपुरी संतरा, नागपुरी संतरा। हाँ और ये आपका आ गया माल्टा मौसम्मी। अच्छा ये मौसम्मी है? हाँ माल्टा मौसम्मी पट्टी वाली। अच्छा ये कौन कौन से सीजन लगती है? ये मतलब ये तो एक ही सीजन लगेगी। अच्छा उसके मदर प्लांट ये रखे हैं। अच्छा ये भी मौसम्मी के हैं। ये क्या चीज़ है? स्टीविया तो ऐसे, ये आपका है वो रेनुकुलस, ये रही पिटोनिया, ये बर्फ के बूटे हैं, ये केबेज है, ये सालिबिया है, फुल सनेरिया। अच्छा हाँ खाने का नाम क्या है? नाम क्या इसका? इसका नाम स्टीविया। स्टीविया? हाँ अच्छा, तो ये स्टीविया का, स्टीविया प्लांट्स की मैंने स्पेशल मतलब पूरी डब्बी मंगाई थी कि शुगर फ्री खाने के लिए। सो ये स्टीविया का मुझे पता मिल गया आज यहाँ पे, सब इसको खा के टेस्ट करके देखते हैं कितनी मीठी है। अंदर फैल है भाई साहब कसम से, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा मीठी है, मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा कि तुमने कुछ मतलब हरा ऐसे पत्ता तोड़ के खाया किसी चीज़ का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट है मतलब इसका स्टीविया का। तेज पत्ता आ गया। अगर इनके जो पैकेट्स में नीचे मतलब मिट्टी लगी है, यहीं की मिट्टी यूज़ करते हो या कुछ स्पेशल मिट्टी है? मतलब वो उधर ही से आती है जहाँ से बूटे आते हैं, जैसे कलकत्ता। अच्छा मतलब कि आप यहाँ से मंगाते हैं, वहीं की मिट्टी है? कलकत्ता है और पूना है, कन्याकुमारी है। अच्छा नागपुर है, ये इधर से आती है। ये आपका आ गया वो देखो चकोतरा, मोटा पेड़ है। और ये रहा आगे कागजी नींबू, ये देखो फल पड़े हुए, ये प्राइस क्या रहता है इनका? अब वो लग जाएगा आपको एक मतलब अगर उठाना पेड़ तो कितने का पड़ेगा? छोटे बड़े का हिसाब है। अच्छा अब ये है आपका ये वाले चीज़ एक ही है। अच्छा ये आपके पड़ जाएंगे मतलब 200 रुपए का, और मतलब जैसा है 180 का भी ये। अच्छा। और ये मतलब ये 90 आए, ये अगली साल के पंगड़ बना रहे, भूल भी आ रहा है, ये कंटू नेट है चलने वाला। अच्छा कंटिन्यू चलते रहते हैं? और वो है आम, मिक्स आम है आपका। अच्छा ये मिक्स आम भी है, अमरपाली, सुगंध रेखा और माल्टा, लंगड़ा, चौसा, सारी वैरायटी। अच्छा आपके पास आमों के पेड़ की मतलब सारी वैरायटी? हाँ सारी वैरायटी। और पूरा ये आपके मतलब नॉर्मल नींबू। अच्छा ये नॉर्मल नींबू के पेड़ पत्ते के। और वो पीछे रहा संतरा, और ये रहे आपके आगे मतलब वो मौसम्मी। अच्छा ये मौसम्मी का पेड़, ये किन्नी है। इसका नाम क्या होता है? ये ज़्यादा गर्म लगे होते हैं वो, अरे इसका नाम पूजा 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 ये तो आथू वाला हो गया ना इसका, पूजा पूजा। ये चकोतरा है देखो, भूल पड़ने लगा, हाइब्रिड की ये पहचान होती है, ये देखो भूल आ रहा है। हाँ मेडिसिन प्लांट में देखो आपको दिखाएं, इससे आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा।
अच्छा ये दिमाग फ्रेश कर देती है। हाँ, ये लो खुशबू लो कस के सूंघना देखो एकदम। यार अभी हम इसको सूंघेंगे इसका नशा करेंगे। हाँ, ये सूंघो कस के एकदम दिमाग को शांति मिलेगी इसकी। मतलब ये झंडू बम बनता है। हाँ, वही बोलने वाला था मैं एग्जैक्ट। अभी अंकल झंडू बम का नाम लेंगे तो बोलने वाला था कि इसकी विक्स जैसी खुशबू है। सेवन करे तो ग्रीस की कमी पूर्ति हो जाती है। 50 साल के बूढ़े में अगर घुटनों में दर्द कमर में दर्द है उसका भी है। उसके 5 पत्ते पर डे मिस्सी मशीन से पीसो। किस चीज के? वो परजात, कोई परजात बोलता है, कोई हरसिंगार बोलता है। हरसिंगार तो कौन सा प्लांट है वो? उधर रखे हैं। और आपका अश्वगंधा भी है। अश्वगंधा भी है। अश्वगंधा जैसे चर्बी हो फिल्टर करने के लिए, दिमाग फ्रेश रखने के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हार्ट ना बढ़े, हार्ट बढ़ेगी। यानी 56 रोगों में कम करता है। घोड़े जितना पावर, मतलब प्योर, बिल्कुल प्योर मिलता पूरा। हां प्योर जो चीजें रियल में प्रैक्टिकल करके देखो हमारे पास। ये रहा 12 मास ही। एक पेड़ पे कितने कुल आम लग जाते हैं छोटे पेड़ में? मतलब आप जैसा अभी तो बच्चा है, नॉर्मल जब जवान हो जाएगा तो कम से कम 100-200 फल लग जाएंगे। अच्छा, ये नाशपाती आड़ू गट्टू गोसा। अच्छा गब्बू गोसा। हाँ, नाशपाती। और मतलब इधर कोई लूचा बोलता है, कोई आलू बखारा बोलता है। और नाशपाती गब्बू गोसा ये शॉप पे। और आलू आलू ये कौन से सीजन में होते हैं दादा? ये मतलब एक ही सीजन होती है, अब इसका सीजन आया है लगने का फल। अच्छा अच्छा। हाँ कितने करता है? ये पोता है। अच्छा, ये आपका पोता है? क्या नाम है इसका? इसका नाम रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह। तो यार छोटा सा स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे। बहुत सारी वैरायटी है। अच्छा, ये रेशम संतरा। डेकोरेशन डेकोरेशन ये रही आपकी दालचीनी। और डेकोरेशन तो काफ़ी अच्छी है आपकी। ये दालचीनी। अच्छा, ये दालचीनी का पत्ता है। और ये रहा आपका तेज पत्ता। ये जो मेडिसिन के मतलब प्लांट्स हैं सारे, ये क्या प्राइसिंग है इनकी? मतलब 200 रुपये के अंदर आ जाते हैं? हाँ, 200-250-300 ऐसे ही। अच्छा, इसके अंदर अंडर हैं। ये रहा रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष शिव जी का जो गले में डालते हैं। अच्छा, इसका बनता है वो पता? हाँ, रुद्राक्ष जो मतलब माला में डालते हैं। हाँ, माला में डालते हैं रुद्राक्ष। और ये रहा आपका, इसकी तो आप खुशबू लेकर देखो खुद बताओगे। अंकल बोल रहे हैं इसकी खुशबू लेकर तो खुद पता चल जाएगा, लेकिन देखते हैं। जानी पहचानी लग रही है। हाँ, काफ़ी अच्छी लॉन्ग है। हाँ, वही मैं देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा यूज़ की हुई है जिसने। ये स्टार फ्रूट है। तो यार ये लोगों का पता काफी बिल्कुल नेचुरल मतलब इसकी तो कबूल आ रहा है। प्लांट को मतलब अच्छी अगर ग्रो करवाना तो क्या टाइमिंग रहती है उनकी? कितने बार पानी देना अच्छा रहता है? देखो ऐसा है, बूटों को ज़्यादा चलाना है। रूट वाला बूटा जब ड्राई हो जाए, चिट्टी मिट्टी हो जाता है, आज जैसा गोटी कर दी दूसरे दिन पानी डालो। अच्छा, ग्रोथ अच्छी होगी। और रोज पानी सुबह शाम देते रहोगे बूटा ग्रोथ नहीं करेगा। ओके, और ओके। फल भी पड़ेगा, बूर आएगा, झड़ जाएगा। और उसको हीट भी तो एलर्जी तो मिलनी चाहिए। अब ये देखो, आप कहोगे क्या चीज़ है, इसकी खुशबू लो। ये धनिया असम गोटी की है। हाँ। ये सर्कुलेंट प्लांट है। यहाँ पे खास ऐसे जैसे मतलब धनिया हो गए, लक्ष्मी कमल, ब्रह्म कमल, कुबेर का कॉफी सोला, कॉफी अपना। ये काफ़ी अच्छे प्लांट दिखते हैं। अच्छा, ये सारे डेकोरेशन के लिए प्लांट है ना? ये अंदर वाले, इसको 8-10 दिन के बाद पानी छोड़ा था इस तरह से। अच्छा, इसमें से 8-10 दिन में छोड़ा? हाँ, वो मतलब जो नाई बालों के स्प्रे नहीं करता उसमें भर के फुहारा मारता है। फुहारे भी अच्छा, ये फुहारे के लिए। ये प्लांट कौन सा? ये कैप्टस। कैप्टस ये ड्रैगन के ऊपर ग्राफ्ट की है इसकी। वो भी कैप्टस है? हाँ, वो भी कैप्टस है। ये ड्रैगन फ्रूट होता है, उसके ऊपर इसकी ग्राफ्टेड है। अच्छा अच्छा, वो तो देखो इसके ऊपर मिट्टी डाली, देख रहे गंदे वाले। देखो रीता, ये मिट्टी भर भर के पौधे के ऊपर डाली। देखो ये तुम्हें अकल नहीं है? केबल काम नहीं। ये केबल काम नहीं? हाँ, ये टाइगर रोज है, बगैर कंडे वाला। खेलते खेलते 4 कलर चेंज करेगा। कितने वैरायटी की मतलब टोटल कितनी वैरायटी की आपने रखे हुए प्लांट्स? ये हमारी सामने 100-150 वैरायटियाँ होंगी। अच्छा, 100-150 आपका आ गया इंसुलिन डायबिटीज के लिए। अच्छा, ये डायबिटीज के लिए? हाँ, ये रोज मेरी है डायबिटीज के लिए। अच्छा, ये भी रोज मेरी डायबिटीज के लिए। हाँ, इसकी खुशबू आएगी देखो। तो पे इतनी नर्सरी हमारी, कितनी वैरायटियां नहीं होंगी। अच्छा, मतलब काफ़ी सारी नर्सरियाँ हैं लेकिन इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं। हाँ, काफ़ी है भी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, कितने के गमले छोटे लटकाने वाले? 100 रुपये का। 100 रुपये का सिंगल पीस है।
और जो ऊपर वो पड़े हुए हैं सीमेंट के 50 रुपए 100 रुपए 60 रुपए। अच्छा ये जो सीमेंट के हैं ये सीमेंट कलर में ये बड़ा था ये। अच्छा सीमेंट वाले में 300 रुपए के हैं। हाँ वो 18 इंच मैं बनाता हूँ रेडीमेड पाते हैं। अच्छा कुछ भी रेडीमेड लाते हो। हाँ जी सारा साहब यही काम कर रहे हो ना आपको हर एक चीज़ की काफ़ी सुंदरबनी में थी। अच्छा पहले सुंदरबनी में थे यहाँ पे आए कितने देर हो गया आपको शिफ्ट किए हुए? यहाँ हो गए करीब 12-13 साल। अच्छा 13 साल यहाँ पे हो गए तो काफ़ी ज़्यादा लोग ले जाते होंगे पसंद करते हैं ले जाते हैं। हाँ ले जाते हैं। ज़्यादा कौन से बिकते हैं डेकोरेशन वाले या मेडिकल मेडिसिन से? तो डिमांड के ऊपर है किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है। अच्छा किसी को डेकोरेशन की ज़रूरत है किसी को फ्रूट की ज़रूरत है। अच्छा मतलब आपके पास तीनों वैरायटी अवेलेबल है फ्रूट के लिए चाहिए हो या फिर डेकोरेशन के लिए चाहिए हो या फिर मेडिसिन के लिए चाहिए हो? सभी है। अच्छा आपके पास फ्लावर चाहिए फ्लावर भी। अच्छा मतलब बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता होगा? नुकसान भी हो जाता क्या यहाँ के बंदे से मैंने कहा किराए में कट जाएंगे भराइए इसकी या आप करवा दें हमें किराया हमको पूजा चाहिए मतलब भराइए करवाओ या यहाँ का बंदे अपना सुकून जानते दूसरे का नुकसान हो कुछ भी हो क्या उधर क्या। चलो चलो ठीक है अंकल थैंक यू। ओके सो यार अभी नर्सरी का तुमने सब कुछ देख लिया अभी यार ये ऊपर की तरफ भी काफ़ी सारे प्लांट्स लगे इन्होंने भाई यहाँ पे ब्लडी पूल प्लांट भी मिलता नहीं ब्लडी पूल प्लांट भी मिलता नहीं ब्लडी पूल तो नहीं मिलता पता नाम नहीं सुनो अपने ब्लडी पूल प्लांट का नाम सुनो ब्लडी पूल का। तो यार ये नर्सरी है मेन ब्रिज नगर में जहाँ से मतलब ये डिलान जाती है सिंहपुरे की तरफ और बिल्कुल ये बड़ी वाली 5 बिल्डिंग के सामने है 5 मंजिला बिल्डिंग के सामने है बिल्कुल ये पंकज नर्सरी। तो यहाँ पे विजिट करना तुम्हें मज़ा आएगा काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ मिल जाएंगी अलग अलग तुम्हें देखने के लिए। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड मिलेंगे तुम्हें जल्दी नई वीडियो में नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय टेक केयर।